नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 4 बजने वाले हैं, आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। गणपति प्लाजा में रॉयरा सेफ्टी वॉलेट्स पर लगातार आईटी की ओर से छापेमार कार्रवाई जारी है। आईटी छापे से जुड़ी ये बड़ी खबर और अपडेट आपको बताते चले, अब काले धन की बरसात होने लग गई है। लॉकर से बड़े पैमाने पर कैश और ज्वेलरी भी जब्त किए गए हैं। एक लॉकर से 1 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला है, तो वहीं दूसरे से 30 लाख से ज्यादा के कैश मिल चुके हैं, तो वहीं तीसरे में 1 किलो से ज्यादा सोना भी मिला है। आयकर विभाग ने कैश और गोल्ड की जांच शुरू कर दी है। कारोबारी कार्तिक कुलवाल के लॉकर से 1 किलो से ज्यादा का सोना मिल चुका है। कारोबारी के लॉकर से अहम दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। रावत मिष्ठान भंडार के मालिक के लॉकर से 30 लाख का कैश मिला है, तो वहीं इदरीस हसन के लॉकर से 1 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला है। टीम काले धन की जांच में जुटी हुई है। रावत मिष्ठान भंडार के मालिक के घर पर भी आयकर विभाग ने छापे की कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो पहले ही सांसद किरोड़ीलाल मीणा की ओर से ये बड़ा दावा किया गया था। उन्होंने कहा था कि पेपर लीक के मामले में जो ब्लैक मनी मिला है उन्हें इन लॉकर्स के पीछे छिपाया गया, और अब एक एक कर खुलासे भी होते चले जा रहे हैं। आईटी के छापे में काले धन की बरसात हो रही है, कई करोड़ रुपए मिले हैं, कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए गए। तो लगातार अब खुलासे भी होते चले जा रहे हैं। सहयोगी राकेश इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, पहले ही संभावना थी कि जब वो लॉकर्स खुलेंगे तो काले धन का भी खुलासा होगा, बड़े पैमाने पर संपत्ति से लेकर सोना और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। कहां तक पहुंच पाई है जांच और क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम जो रोयरा सेफ्टी वॉल्ट्स है इसके यहां पर खड़े हैं और हम दिखा सकते हैं आपको सीधी तस्वीरें। लगभग 5 दिन से लगातार आयकर विभाग की टीमें यहां पर कार्रवाई में जुटी हैं और आज जो लॉकर्स खोले गए हैं इनमें बहुत बड़े पैमाने पर काला धन जो अब निकलना शुरू हो गया है। जो हज यात्रा के आयोजक हैं इदरीस हसन ने हज यात्रियों से जो कमीशन और दलाली ली उसका 1 करोड़ से ज्यादा का कैश यहां लॉकर में मिला है। उसकी जो उसको आयकर विभाग ने उस लॉकर से निकाला है, यानी जो हज यात्री जो एक धार्मिक यात्रा पर जाते हैं उन लोगों से जिस तरीके से कमीशनखोरी की गई तो 1 लॉकर से 1 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला है। इसके अलावा कार्तिक जो कुलवाल एक कारोबारी है जिसका चाइना से बहुत बड़े पैमाने पर कारोबार होता है, FMCG का इनका कारोबार है, और उस कारोबार के जरिए उन्होंने जो ब्लैक मनी कमाई और जिस तरह का चाइना से, चूंकि बहुत सारे सामान जो है वो प्रतिबंधित है, लेकिन उन्होंने अपने दस्तावेज को यहां छुपाया गया है लॉकर में, तो 1 किलो से ज्यादा गोल्ड उनके लॉकर में मिला है, कैश मिला है और दस्तावेज मिले हैं। ये दस्तावेज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने जो माल की सप्लाई की है लोकल में की है और जांच एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगने दी, तो वो सभी दस्तावेज और कैश यहां पर आयकर विभाग की टीम ने अभी जब्त किए हैं। रावत मिष्ठान भंडार के जो मालिक है उनका लगभग 30 लाख से ज्यादा कैश इसमें मिला है। उनके घर पर आयकर विभाग ने छापे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जयपुर और जोधपुर में 6 ठिकानों पर रावत मिष्ठान भंडार के मालिक के यहां पर छापे की कार्रवाई की जा रही है, और अभी जो जिस तरीके से आयकर विभाग ने लॉकर को एक श्रेणी में वितरित किया है, अब जो सबसे ज्यादा हाई रिस्क के लॉकर हैं जिनके मालिकों के नाम, पते, पैन नंबर या पर्जे जो पते हैं वो फर्जी हैं, उनकी जांच की जा रही है, और ऐसे हाई रिस्क वाले लगभग 100 लॉकर हैं और उन लॉकर में से पहले 3 लॉकर ऑपरेट किए गए हैं। तीनों लॉकर में बहुत बड़े पैमाने पर काला धन सामने आया है और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जैसे जैसे ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी ये जो 100 हाई रिस्क वाले 100 लॉकर हैं में निश्चित तौर पर अकूत काला धन निकल सकता है। अभी आयकर विभाग की टीमें और उनके वरिष्ठ अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं जो कैश लॉकर से मिलना शुरू हुआ है, और ये कार्रवाई अब लंबी चलेगी क्योंकि 100 लॉकर ऐसे लॉकर हैं जिनके मालिकों ने या तो फर्जी पैन नंबर दिया है या फर्जी पता दिया है या उनका नाम फर्जी है, तो इन सबको आयकर विभाग ने एक डेप्थ इन्वेस्टिगेट करके और फाइंड आउट किया है, और अब जो आउटकम इसका आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, वो वाकई में बहुत बड़ा एक जो है। बिल्कुल राकेश, आने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। अब इदरीस हसन कौन है, क्योंकि इनके अकाउंट से भी 1 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं, और सांसद किरोड़ीलाल मीणा की ओर से दावा यह भी किया गया था कि पेपर लीक मामले से जुड़े इसमें खुलासे होंगे, जो ब्लैक मनी मिले थे वो भी यहां पर छिपाए गए। इसे लेकर कोई अपडेट मिल पा रहा है क्या?
बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से आयकर विभाग ने अब इन लॉकर्स को कैटेगराइज करके खोलना शुरू किया है, ऑपरेट करना शुरू किया है, उसके बाद में ये अब तय है कि जांच एजेंसियों को बहुत कुछ इसमें मिलने वाला है। अब तक जो लॉकर ऑपरेट किए गए थे वो सामान्य लॉकर थे, लेकिन अब जो लॉकर ऑपरेट किए गए हैं ये हाई रिस्क वाले लॉकर्स हैं, और हाई रिस्क वाले पहले 3 लॉकर ऑपरेट किए गए हैं और इनमें बहुत बड़े पैमाने पर काले धन की जो है उम्मीद जगी है और मिलना भी शुरू हो गया है। अब जो दूसरे और जो लॉकर्स हैं उनको भी अभी ऑपरेट करना शुरू किया जाएगा। आप देख सकते हैं दस्तावेज के साथ साथ आयकर विभाग के अधिकारी लगातार अंदर और हलचलें अब बढ़ी हैं। यहाँ पर जो रोयरा सेफ्टी वॉल्ट्स नामक की कंपनी है जिसके यहाँ लगभग 1100 लॉकर जो थे, इन 1100 लॉकर्स में जिस तरीके से काला धन छुपा होने की बात थी वो बात अब सही साबित होती हुई नजर आ रही है। हम देख सकते हैं कि जो IRS स्तर के अधिकारी हैं लगातार पूरे मामले की गहनता से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पूरा एक रिकॉर्ड और विधिवत तरीके से कार्रवाई को यहां पर जो अंजाम दिया जा रहा है। चूंकि जो यहां पर जो लॉकर्स से माल निकल रहा है उसकी बकायदा वीडियोग्राफी के साथ साथ पंचनामा रिपोर्ट भी बनाई जा रही है, जो लॉकर्स के मालिक हैं उनको भी यहां पर बुलाया गया है और उनसे पूछताछ करने के बाद उनसे स्टेटमेंट भी लिए जा रहे हैं। हम जो यहां पर अब से कुछ देर में जो लॉकर से कैश मिला है और गोल्ड मिला है और उन तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटा सा प्रमाइसिस है जहां पर जो आयकर विभाग की टीम कार्रवाई करी, लगभग 5 दिन हो गए, 1 दर्जन से ज्यादा IRS ऑफिसर्स और पूरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन विंग जो है वो इस प्रयास में जुटी हुई है कि जो लॉकर्स में जिस तरीके से काला धन जमा होने की बात थी उस पर अब जो है सख्ती से जो है बरती जाए। तो कैटेगराइज किया गया, डिपार्टमेंट ने मेहनत की और उसका रिजल्ट अब सामने आने लगा है और अब हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि लगातार यहां पर रोयरा सेफ्टी वॉल्ट्स जो कंपनी के लॉकर्स हैं यहां पर अधिकारियों की आवाजाही बढ़ी है, हलचलें तेज हुई है और ये हलचल और भी ज्यादा आगे बढ़ेगी क्योंकि अब जो है यहां से काले धन के निकलने की शुरुआत हुई है और ये कार्रवाई लंबी चलेगी, लगभग 5 से 7 दिन तक चलेगी क्योंकि इनमें बड़े पैमाने पर काले धन के जमा होने की उम्मीद है। आज पहली बार जो तस्वीर सामने आई है इस इन्वेस्टिगेशन में, इस सर्च में, वो ये है कि यहां पर जो आज करोड़ों के कैश अब इन लॉकरों ने उगलना शुरू किया है, ज्वेलरी भी उगलना शुरू किया है, साथ ही जो कारोबारी हैं उनका जो कारोबार है उस कारोबार से संबंधित ऐसे जो दस्तावेज है जो जांच एजेंसी से छुपाए गए थे वो दस्तावेज भी अब आयकर इन्वेस्टिगेशन की टीम बाहर लेकर के आएगी और जो विभाग के शार्प जो अधिकारी हैं जो इन्वेस्टिगेशन में माहिर हैं उनको आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग ने यहां पर लगाया है। हम देख सकते हैं कि लगातार हलचलें तेज हुई हैं और पूरी तरीके से डिपार्टमेंट मुस्तैद है कि जो लॉकर्स में जो चीज सामने आ रही है विधिवत तरीके से उसको ऑपरेट किया जाए और उसको रिकॉर्ड पर लिया जाए ताकि आगे जो भी कार्रवाई है उसको विधिवत तरीके से पूरा किया जाए। यहां पर ये आप देख सकते हैं कि जो लगातार यहां पर जो विभाग के अधिकारी हैं और संभवतः हम देख सकते हैं कि ये वही बड़ा बैग हो सकता है जिसमें जो है कैश मिला है क्योंकि कैश बड़ी मात्रा में है और जो इनके मालिक हैं उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जो इदरीस हसन का नाम सामने आया है जो हज यात्रा के आयोजक माने जाते हैं, तो हज यात्रियों से जिस तरीके से कमीशनखोरी हुई है, उनकी यात्रा जो एक धर्म के नाम पर उन्होंने जो यात्रा की उनसे जो दलाली हुई है वो पैसा उन्होंने ला करके यहां जमा करवाया है। इदरीस हसन का सालाना जो टर्न इनकम टैक्स में रिटर्न शो किया गया है 6 से 7 लाख किया गया है, लेकिन यहां पर जो धन मिला है उस यानी जो उन्होंने वास्तविक रूप से जो कमाई की है उसको छुपाया है और आज आयकर विभाग ने जो हज यात्रा से कमीशनखोरी दलाली के रूप में पैसा लिया था वो यहां पकड़ा है और जो इसके मालिक है इदरीस हसन उसको भी बुलाने की यहां पर कवायद शुरू कर दी गई है और जो दूसरे लॉकरों के मालिक हैं जिनके लॉकर ऑपरेट किए जा रहे हैं उनको बकायदा यहां बुला करके और उनसे स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं। अब कार्रवाई शुरू हुई है और निश्चित तौर पर इस कार्रवाई में जो आने वाले समय में और भी बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं क्योंकि ये वो लॉकर हैं जो बेनामी तरीके से जिनमें नाम पते या पैन नंबर कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ी तरीके से दिए गए हैं और उन पर अब आयकर विभाग ने शिकंजा कसा है। बिल्कुल राकेश, कार्रवाई लगातार जारी और आप सही कह रहे हैं कि अभी और खुलासे होंगे, भ्रष्टाचार के कई और मामले भी उजागर होंगे। पहले ही न्यूज 18 ने इस खबर को ब्रेक कर दिया था राकेश कि 100 लॉकर्स में भले ही कुछ नहीं मिला है लेकिन जिन 200 लॉकर्स को तोड़कर कार्रवाई की जानी है निश्चित तौर पर उसके पीछे से बड़े पैमाने पर कैश के साथ ही कुछ और ज्वेलरी और डॉक्यूमेंट्स भी मिल सकते हैं और कुछ ऐसा ही हो रहा है। कितने लॉकर्स अभी और बाकी हैं राकेश और कितना वक्त लगेगा इस कार्रवाई को पूरा करने में?
बिल्कुल देखिए, कुल लॉकर जो हाई रिस्क वाले हैं टोटल 1100 लॉकर हैं। 1100 लॉकर्स में से आयकर विभाग ने इनको कैटेगराइज किया गया है। जो लॉकर 8 साल से ऑपरेटेड नहीं किए गए हैं और जिनका ऑपरेशन नहीं हुआ है, जिनके मालिकों ने नहीं खोले हैं, उन लॉकरों को नहीं छेड़ा गया, क्योंकि लेकिन जो लॉकर रेगुलर ऑपरेट हुए या जिनके नाम पते या पैन नंबर में फर्जीवाड़ा है उनको हाई रिस्क कैटेगरी में, और ऐसे लॉकर 350 में से 100 लॉकर हैं जिनमें बहुत बड़े पैमाने पर काले धन की आशंका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जताई है, और उनमें से 3 लॉकरों को आज ऑपरेट किया गया है। जो कार्तिक कूलवाल नामक जो कारोबारी है, चूंकि इसका चाइना से बहुत बड़े पैमाने पर कारोबार है और यहां राजस्थान के साथ साथ देश के दूसरे राज्यों में भी ये कारोबार करते हैं, और उस कारोबार को इन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसी से छुपाया है, और इनका इनकम टैक्स रिटर्न भी बहुत कम फाइल करते थे, और जो कारोबार के दस्तावेज थे साथ जो गोल्ड ज्वेलरी और अन्य दस्तावेज थे उनको भी यहां पर उन्होंने छुपाया है, तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनको सीज किया है। रावत मिष्ठान भंडार के जो मालिक हैं उन्होंने भी इनकम को बहुत कम शो किया है और कई तरह की वित्तीय अनियमितताएं भी की हैं। तो 30 लाख से ज्यादा कैश मिला है, 40 से 50 लाख रुपए की ज्वेलरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रावत मिष्ठान ग्रुप के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई शुरू की है। दो चार ठिकाने जयपुर में है, 2 ठिकाने जोधपुर में है रावत मिष्ठान भंडार से जुड़े हुए, और उनके घर पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब छापे की कार्रवाई शुरू की है। चूंकि कारोबार में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं मिली है, तो उनके यहां कुल कितना काला धन जमा है, कितना जांच एजेंसियों से छुपाया गया, इन तमाम तथ्यों को अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो इन्वेस्टिगेशन की टीमें हैं वो अब निकालने में तैयार हो गई है। साथ ही जो इदरीस हसन है उसने किस किस से कितना कमीशन लिया हज यात्रा के नाम पर, कहां कहां दलाली की, उन तमाम पहलुओं की जांच अब आयकर विभाग करेगा, क्योंकि इदरीस हसन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस देकर के बुलाया है। उनका लॉकर जो ऑपरेट किया गया है उसमें 1 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला है, जबकि इनकम टैक्स रिटर्न के साथ साथ दूसरे कारोबार में उन्होंने अपनी आय को इतना नहीं दर्शाया है जितना अब जांच में सामने आया है। तो अब यही वजह है कि खुलासे भी होते चले जा रहे हैं। राकेश, पहले ही सांसद किरोड़ीलाल मीणा की ओर से ये दावा किया गया था और अब ये दावा कहीं ना कहीं सच होता हुआ भी साबित हो रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बड़ी कार्रवाई इनकम टैक्स की ओर से छापा पड़ा है, और जैसा कि सूचना निकलकर सामने आ रही है कि करोड़ों रुपए बरामद किए गए हैं, साथ ही साथ लाखों रुपए के ज्वेलरी भी मिले हैं। हालांकि अभी जांच पड़ताल जारी है और माना जा रहा है कि कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। आप नजर बनाए रखिएगा राकेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। कांग्रेस सीईसी की बैठक का समय तय कर लिया गया है, कल सुबह 9 बजे से केंद्रीय चुनाव समिति की एक बड़ी बैठक होगी। पहले राजस्थान की सीटों को लेकर चर्चा की जाएगी, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के लिए बैठक की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। दिल्ली में ये बड़ी बैठक होगी आज शाम 5 बजे। कांग्रेस स्क्रीनिंग की भी बैठक है जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब भी हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और दावा किया गया कि कांग्रेस की सरकार ही रिपीट होगी, कांग्रेस के योजनाओं की चारों तरफ तारीफ हो रही है। तो कल एक महत्वपूर्ण बैठक सीईसी की, और माना जा रहा है कि कल के बाद कभी भी कांग्रेस की पहली सूची सामने आ सकती है। इस बैठक में सबसे पहले चर्चा राजस्थान को लेकर किया जाना है, क्योंकि राजस्थान में अभी एक भी सूची सामने नहीं आई है और माना जा रहा है कि कल के बाद कांग्रेस की ओर से पहली लिस्ट जारी की जा सकती है। तो टिकटों को लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है, जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार ढूंढने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की जा रही है, और एक बड़ी बैठक शाम 5 बजे से होने वाली है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बैठक में शामिल रहेंगे, तो वहीं विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी की यह बैठक, और इसमें भी टिकटों को लेकर ही चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कुछ वर्तमान के विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं, जिन्हें लेकर विरोधी लहर है उनके टिकट कट सकते हैं, और कुछ नए चेहरों को जगह दी जा सकती है, नए चेहरों पर पार्टी दाव लगा सकती है। तो वहीं राजस्थान में बीजेपी ने जो फॉर्मूला अपनाया एमपी वाला, उसके तर्ज पर कांग्रेस के चलने की भी संभावनाएं जताई जा रही, और माना जा रहा है कुछ पूर्व सांसदों पर भी कांग्रेस दाव लगा सकती है। हालांकि अब वक्त ही बताएगा कि कौन कौन से वो उम्मीदवार जिन्हें कांग्रेस चुनावी मैदान में उतारती है, क्योंकि जीत
बहुत जरूरी है इस बार कांग्रेस के लिए राजस्थान में जीतना, और यही वजह है कि लगातार दमखम और पूरे जोर शोर से कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरी हुई है। तैयारियां की जा रही हैं, कई बैठकें की जा रही हैं, टिकटों को लेकर मंत्रणा लगातार जारी है। देखिए, एआरसीपी को लेकर केंद्र सरकार और मिस्टर शेखावत चार साल राजनीति कर रहे हैं, हम मुद्दा बना रहे हैं। हम कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी आपने वादा किया था जयपुर के अंदर और अजमेर के अंदर, एआरसीपी आपकी सरकार के वक्त में योजना बनी, हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसको आप राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो जो आपने कहा था, सकारात्मक दृष्टिकोण में रखूंगा। इसका मतलब क्या है? वसुंधरी बैठी हुई है, पूरा कुनबा बैठा हुआ है, तेरा जिले नाम बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी और कह रहे हैं हम इसको पॉजिटिव रखेंगे। उसके बाद में आते कोई जवाब नहीं। आज 90-10 का रेशियो हो तो कितनी जल्दी योजना बन सकती है? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, 5-7 साल लगेंगे उसको, ज्यादा लग सकते हैं। भारत सरकार बनाएगी तो 3-4 साल 5 साल बन सकती है। 13 जिले के पीने का पानी, 2 लाख हेक्टेयर जमीन उनका सवाल है, 53 बांध में अभी और उसमें डाल दिए हैं। तो वहीं विधायक राजेंद्र सिंह बिधोड़ी का ग्रामीण की पगड़ी को लात मारने का वीडियो वायरल होते ही पीड़ित अब इंसाफ की गुहार लगा रहा है। पीड़ित लोभीराम गुर्जर और उनके बेटे ने गुर्जर समाज से इस मामले में एक साथ होने की अपील की है ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। आपको बता दें कि ऐसा दावा किया जा रहा है कि वीडियो 2 साल पुराना है जिसे बेंगू इलाके के एक होटल का बताया जा रहा है। आरोप है कि ग्रामीण अपने बेटे की नौकरी को लेकर नेताजी से गुहार करने पहुंचा था, लेकिन उसी दौरान राजेंद्र सिंह बिधोड़ी उसकी पगड़ी को लात मारते नजर आ रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इंद्री साहब दो आदमी कदाया जो मुंबको को ने और मने तक रुपया ले लो कहने था कि का बात मत करो। अरे ने आप सभी गुजर हमारी मदद करो, हमारी फागड़ी को मानो है, हमारी फागड़ी को नियम लाद की दीजिए, 1 किलोमीटर से डर डर पड़ी है। तो उन्होंने क्या पगड़ी पे लाद मारी? उन्होंने पूरी गुजर समाज हो, हमारा साथ दो, हमारे साथ रहो, पूरी मेवाड़ की जनता हो। तो ये वीडियो आप देख पा रहे हैं, विधायक की करतूत देखिए जरा। एक शख्स यहाँ पर पहुंचा हुआ था, मांग सिर्फ इतनी थी कि बेटे को नौकरी दे दें क्योंकि बेटा बेरोजगार है, घर परिवार का खर्चा नहीं चल रहा था, और उस दौरान उसकी पगड़ी को लात मारकर उछाल दिया जाता है। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। पगड़ी राजस्थान के सम्मान का प्रतीक है। पगड़ी पहनकर जब राजस्थान के लोग चलते हैं तो सम्मान में उनका सर हमेशा ऊंचा उठा रहता है। उसी पगड़ी पर लात मारने का काम कांग्रेस पार्टी के विधायक ने किया। कांग्रेस पिछले 5 साल में जिस तरह का अत्याचार राजस्थान की जनता के साथ करती आई है, उसी कड़ी में राजस्थान के लोगों के साथ, राजस्थान के सम्मान के प्रतीक के साथ जो छलावा कांग्रेस पार्टी ने किया है, उसका अपमान जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, ये राजस्थान में अत्याचार की पराकाष्ठा का एक नया अध्याय है। राजस्थान में सम्मान का प्रतीक है पगड़ी, और उस पगड़ी पर लात मारने का दुष्कृत्य कांग्रेस के एक विधायक ने किया है। तो आप भी सुन लीजिए, कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस पार्टी के नेता, कि जिस तरीके से किसान की पगड़ी पर आपने लात मारी है, उसी तरीके से राजस्थान की जनता आपके वजूद को उखाड़ फेंकेगी, राजस्थान से आपकी जड़ों को उखाड़ फेंकेगी। राजस्थान के सम्मान पर चोट करने की इजाजत राजस्थान आपको कभी नहीं देगा। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, राजीव अरोड़ा सचिन पायलट के आवास पर पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास अरोड़ा माने जाते हैं जो इस वक्त सचिन पायलट के आवास पर मौजूद हैं। मालवीय नगर से कांग्रेस के टिकट की मांग कर रहे हैं, राजनीतिक माहौल भाप, पायलट से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। चुनावी सरगर्मियों के बीच ये मुलाकात भी अहम है। तो मालवीय नगर से टिकट की मांग की जा रही है, सचिन पायलट के आवास पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास माने जाते हैं राजीव अरोड़ा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजीव अरोड़ा की ये तस्वीरें मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं और इस वक्त सचिन पायलट के आवास पर पहुंचे हुए हैं।
टिकटार्थी बनकर पहुंचे हुए हैं। मालवीय नगर से टिकट की मांग कर रहे हैं। अब चुनावी साल है, बेहद कम वक्त में चुनाव है, ऐसे में हर मुलाकात के खास मायने निकाले जा रहे हैं। हर तस्वीर के पीछे अपनी कहानी, और ऐसे में इस तस्वीर के पीछे भी खास मकसद और खास कहानी बताई जा रही है। तो वहीं दिल्ली में राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बताते चले। बीजेपी की दूसरी लिस्ट को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर लगातार बैठक का दौर जारी है। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी इस बैठक में मौजूद हैं। राजस्थान की बची हुई सीटों पर मंथन किया जा रहा है। जिताऊ उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जा रहा है। तो 41 उम्मीदवारों की सूची पहले ही सामने आ चुकी है। कुल 200 विधानसभा के सीट बचे हुए प्रत्याशियों के नाम को लेकर चर्चा की जा रही है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हुए। ऐसे में माना जा रहा है कि आज प्रत्याशियों के नाम पर फाइनल मुहर भी लग सकती है। तो बड़ी बैठक की जा रही है, कई घंटों से चिंतन और मंत्रणा का दौर जारी है। यहां पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से लेकर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद हैं, और लगातार किन्हें टिकट दिया जाए, किनके टिकट काट दिए जाए, क्योंकि सूचना ये भी निकलकर सामने आ रही है कि कुछ वर्तमान के विधायकों के टिकट भी काटे जा सकते हैं, कुछ नए चेहरों पर पार्टी दाव लगा सकती है। तो यही सूचना ये भी है कि 90 से 100 नाम जिन पर मंत्रणा की जा रही है, उनमें 2 से 3 सांसदों के नाम भी शामिल हो सकते हैं। पहली सूची में ही 7 सांसदों के नाम शामिल किए गए थे। कुछ कद्दावर नेता को मैदान में उतारा गया है, जैसे बाबा बालकनाथ हो गए, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी को भी मैदान में उतारा गया है। किरोड़ी लाल मीणा पर भी पार्टी ने भरोसा जताया। वैसे इस बार भी माना जा रहा है कि जब दूसरी लिस्ट बीजेपी के सामने आएगी तो इसमें भी 2 से 3 सांसदों के नाम शामिल हो सकते हैं। खबर नागौर से है, जहां पर सियासी पारा हाई है। पूरे चरम पर बेनीवाल वर्सेस मिर्धा देखा जा रहा है। बेनीवाल ने रिचपाल मिर्धा को लेकर बड़ा बयान दे दिया और भगौड़ा करार दे दिया। डेगाना से जनसभा के दौरान उन्हें भगौड़ा कहा गया। रिचपाल मिर्धा ने बेनीवाल को लेकर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मैं 35 साल से डेगाना का वोटर हूं। बेनीवाल का गांव नागौर में आता है। मिर्धा ने यह भी कहा कि चुनाव खेवसर से जरूर लड़ते हैं। तो अब वार पलटवार का सिलसिला जारी है। पहले रिचपाल मिर्धा ने बेनीवाल को लेकर बयान दिया, फिर बेनीवाल ने पलटवार किया, अब एक बार फिर से मिर्धा ने बेनीवाल के बयान पर पलटवार कर दिया है, क्योंकि मिर्धा को बेनीवाल ने भगौड़ा बता दिया था। तो इस बयान पर भी मिर्धा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, सुनिए क्या कुछ कहा। ये है कि डेगाना के अंदर ऐसा उम्मीदवार आएगा जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की होगी, और जिसका सोचा भी नहीं होगा, और वो आएगा आते कांग्रेस थर्ड चली जाएगी। मुकाबला भारतीय जनता पार्टी आरएलपी का डेगाड़ा के अंदर। मैंने पहले ही कहा था कि कांग्रेस को आपने कहने टाबर गांव में कि वो थर्ड आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड करा के भेजूंगा। और जो बात खींचर की कर रहे हैं ना, तो वहां तो जमाने जब तैयार है, भेज दो किसी पे। ये कल हनुमान बेनीवाल की सभा हुई थी डेगाड़े में, इसके लिए मेरा वीडियो 2 नंबर आज जारी कर रहा हूँ। उसने बोला कि ये रिचपाल मिर्धा भगोड़ा, अरे मैं 35 साल से डेगाना, मेरा लंगोड़ का मैं वोटर हूं, और मेरा मकान है डेगाना में, और मैं डेगाना चुनाव लड़ता आया हूं 1990 से। मैं कैसे भगोड़ा हो गया? भगोड़ा तो तू है, अरे तेरा गांव है उसमें, बंड गांव किसमें है? नागौर कॉन्स्टिट्यूंसी में, और तू चुनाव लड़ता है किमसर में, भगोड़ा तो तू है। और एमपी चुनाव में तू हनुमान बेनीवाल से गठबंधन करके 5 PC करके सीधा मेरे घर आया था, और मेरे और मेरी घरवाली के पैर पकड़ के बैठा था कि जब तक आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक उठ के नहीं जाऊंगा, मेरी मदद करो, और तेरी मदद की हमने। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। पाली तस्कर एनकाउंटर मामले से जुड़ी है बड़ी खबर आपको बता दें। डीजी क्राइम दिनेश शैमन घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। दिनेश शैमन ने घटनास्थल का जायजा लिया। राजसमंद पुलिस की डीएसटी टीम और तस्करों के बीच यहां पर मुठभेड़ हुई थी, और मुठभेड़ में एक तस्कर की मौत हो गई थी, जबकि एक तस्कर मौके से फरार हो गया था।
अब पूरे जिले भर में तलाशी अभियान जारी है, पूरे जिले भर में नाकाबंदी करा दी गई। आपको बताते चले कि तस्करों की गाड़ी से डोडा पोस्ट, मोबाइल, डोंगल और एक पिस्टल भी बरामद की गई है। केस दर्ज होने के बाद अब मामले की जांच सीआईडी सीबी के द्वारा की जानी है। डीजी क्राइम दिमनेश एमएन घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और पूरे मामले को लेकर वो लगातार तफ्तीश में जुटे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।